हाय बेचारे, ये क्या जैन, ये तो जा रहा है। हम तो इनके लिए नाश्ता ले। ओए माशाल्लाह। चले ठीक है, सबको दुआ सलाम देना। गुड मॉर्निंग, एक और मेहमान भी उठ गया। माशाल्लाह जी, घर पहुंचा तो अमन और उसका बेटा जो है ना उठे हुए हैं। अभी जी नमाज़े फजर का टाइम है, 5:40 हो गए हैं। मैं जो है वो सारी रात नहीं सोया, मैं पहले फिर भी चले 3-2 बजे सोता था, आज मुझे नींद नहीं आई, आज सारी रात नहीं सोया। तो अभी जो है ना चल के नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो आप सब ने साथ रहना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह की नमाज़ अदा कर ली। कुरान पाक आपको पता है, सुबह जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो कुरान पाक की तिलावत भी करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी नसीब हुई। तो उसके बाद अभी जो है ना मैं खड़ा हूँ घर में, माशाल्लाह से मेहमान है। आपको पता है ऐशा शहद वाले हो गए, अमन खलील वाले हो गए, नबीला राशिद व्लॉग वाले हो गए, माशाल्लाह से घर में रहमत है। तो अभी मैं सुबह, मैंने कहा कि आज सोता नहीं हूँ, अभी मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तो अभी मैं फ़ौरन से जाता हूँ शहर, वहाँ से कैश निकलवाते हैं, उसके बाद फिर मैं नाश्ता भी लेकर आऊँगा, मतलब कि नान चने वगैरह, और इंशाल्लाह ताला घर आके मेहमानों को जो है वो टाइम पर नाश्ता देंगे। तो चले अभी शहर चलते हैं, आप सब ने हमारे साथ रहना है। ऐनक जो है ना वो मुझे, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं मुझे कुछ साफ नज़र आ रहा, तो ऐनक मैं भूल गया था, क्योंकि मेरी नज़र जो है ना वो दूर की मतलब ख़राब है, नज़दीक की ठीक है। तो मैंने जब कुरान पाक की तिलावत की ना, तो मैंने ऐनक उतार दी थी, वो लगता है नमाज रूम में रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चश्मा जो है वो मिल चुका है, अभी जो है ना हम चलते हैं शहर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज जो है ना वो निकलने लगा है, माशाल्लाह सुबह सुबह का आगाज इस गाड़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो है ना वो रवाना हो चुके हैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने गाड़ी में ना हीटर चला दिया, ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हीटर चलाया ना, आपको सुकून आ गया है माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह जाके ना कैश निकलवाते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता लेते हैं सब मेहमानों के लिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर आएंगे और सब मेहमानों के साथ बैठ कर, मिल बैठ कर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पैसे जो हैं वो निकलवा लिए हैं, उसके बाद यहाँ से जो है ना हम ले रहे हैं खाली नान ले रहे हैं, क्योंकि नान इनके अच्छे होते हैं और चने जो है ना वो एक और शॉप है, चने उनके अच्छे होते हैं, तो नान यहाँ से ले रहा हूँ, चने जो है ना वो उधर अपनी मतलब अपने शहर से लेंगे इंशाल्लाह। ले आए नान? ले। कितने? 32। 32 नान, ठीक हो गया, चलो पीछे रख दो। बकाया कितना बचा? 200। ठीक ठीक हो गया। अभी जो है ना माशाल्लाह से अभी यहाँ से ले रहे हैं जी चने, ये सामने माशाल्लाह से दुकान है, यहाँ इसके चने जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, मैंने कहा चले चने ले लेते हैं, ठीक हो करिए थे, फिर जो है ना इंशाल्लाह घर चलेंगे। ये क्या जैन, ये तो जा रहा है। हम तो इनके लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं। ओ भाई जान, किधर है? जा रहे हैं सर। भाई नाश्ता लेके आया हूँ मैं। टाइम तो यार हो गया है, टाइम हो गया, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। 7:32 कितने रह गए? 8 बजे। 8 बजे नहीं, 8 बजे वाला बंद हो गया टाइम, अब 7:45 वाला ही है बस। 15 मिनट में पहुंच नहीं जाएंगे? 15 किधर है, बाकी रह तो गए 13 मिनट हो जाएगा, और 7 रोड़े खाली हैं, 7:40 पे भी आ सकता है। नाश्ता कर ले फिर जाना, नाश्ता कर लो, नहीं जाना। कोई बात नहीं, यार मेरे ख्याल में ना आप नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच जाएंगे यार,
वो पता है क्या है, वो 7:40 पे भी आ जाता है टाइम। मैंने पूछा है वो 8 बजे भी आ जाती है, पिछली दफा वो गया था ना शहजाद भाई। अच्छा 8 बजे आता है टाइम। हाँ। अब नाश्ता का क्या करें यार, नाश्ता तो हम लेके आए हैं। कोई बात नहीं यार, खैर है, अपना ही घर है, फिर कभी इंशाल्लाह। चले अम्मी अब्बू को सबको दुआ सलाम देना। ठीक है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा एक मिनट, चले जी अब नाश्ता तो नहीं करते। ये लो अक्सा, ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ठीक है, सबको दुआ सलाम देना। ठीक है जी, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय। जितनी भी खैर हमने जल्दी की ना, गाड़ी भगाई वो, लेकिन वो चले गए क्योंकि उन्होंने रात कहा था ना हम सुबह चले जाएंगे, मैंने बड़ी कोशिश की पर नसीब नहीं था। हाँ बाकी ये होता है ना, वो कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इनका नसीब अभी नाश्ता नहीं था नसीब में, हम जितनी भी कोशिश करते नसीब नहीं था ना। चलें ये अंदर ले चलो उधर किचन में ना, इसकी सारी सेटिंग वगैरह करते हैं। चलें जी अभी जो है ना चनू को डालते हैं डोंगे के अंदर ना। इसमें आ जाएंगे ना तकरीबन, तो छोटा है ये वाला कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। ये भी उठा लेते हैं ना, ये उठाते हैं रायते के लिए, ये उठाते हैं उसके लिए, रायते के लिए नहीं सॉरी दही के लिए, दही भी लेके आए हैं। ये आ गया जी दूसरा शापर, अब रह गया है ये तीसरा शापर, इसको जल्दी से खोल के डाल। ओह ये तो गंढ आ रही थी, उल्टा फेर दिया क्या? अच्छा उल्टा फेरो सीधा फेरो बात एक है। हमें खुल गया खुल गया, ये काम हमारा ओके। अब इसको जो है ना लगा देते हैं ढकना, ताकि ये ठंडे ना हो। चलो से आ गई है दही की बारी। ताकि कोई चने वगैरह खाए साथ में, फिर दही खाए, जो चीज़ जिसका दिल करे वो खाए। नाश्ते में फिर ठंडी ठंडी दही तो होनी चाहिए ना। चले जी ये दही आ गई, उसके साथ इसको करते हैं ताकि ये गर्म ना हो जाए, ये ठंडी ठंडी है। अभी जो है ना नान मैंने इसमें रख दिया, इसका ढकना तो नहीं आता क्योंकि ये ज्यादा है, इसके ऊपर ना ऐसे शापर बांध है ना ऐसे डाल के चलेंगे अभी जो है ना, ताकि कोई जो भी ये नहीं शर्त नहीं, क्योंकि किसी का टाइम कम है किसी का ज्यादा है, मतलब जैसे वो उठते जाएंगे ना वैसे वैसे नाश्ता करते जाएंगे। उनको कहेंगे नाश्ता करना है, वो कहेंगे हाँ करना है, कहूँगा जाओ नाश्ता लगा हुआ है जितना करना है कर लो। ये आ गए जी, तो जी माशाल्लाह से ये नान, ये चने, ये दही, ये मतलब कौलियां कटोरियां जिसमें डाल के खाएंगे, चमचे भी साथ हैं वो दही वगैरह इस्तेमाल के लिए, पानी का जग, गिलास, छाबिया ये नान रखने के लिए, सारा सेटअप मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है। घर में किसी को भी पता नहीं है, सबा को भी पता नहीं है, वो भी उठेगी जब कहेगी अहमद नाश्ते का क्या करना है, मैं उसे कहूँगा इस रूम में आके कर लो। इतनी खुश वो समझेगी मजाक है शायद, लेकिन ये तो हकीकत है ना। अब देखते हैं जी जो जो भी उठता जाएगा ना उसको बोलते हाँ भी भूख लगी है नाश्ता करना, वो कहेगा हाँ करना है, मैं कहूँगा उस रूम में जाके कर लो, आएंगे खुद ही डालेंगे खुद ही खाएंगे, ऐसे खाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें जी अभी चलते हैं और देखते हैं कि कोई उठा है या नहीं उठा। अभी जी मैं आ गया हूँ कमरे के अंदर और माशाल्लाह से मेरे दोनों बेटे, मेरे दोनों शहजादे, को टीवी चल रही है और हसन बेबो जाने भी उठा हुआ है, हसन जाने भी उठा हुआ है, लेकिन उनकी जो माँ है ना वो अभी सोई हुई है। तो माशाल्लाह से चलिए अब
हसन, उधर आपने बाय बाय नहीं किया, उधर सबको बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरा मीठा बेटा माशाल्लाह। चलें जी, ये तो उठ गए शहजादे, मैं तो इनके साथ अभी खेड़ शेड़ लगूंगा, खेलूंगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे रात मैंने ना नींद की, लेकिन एक सेकंड भी नींद नहीं की। जैसे दिन हुआ ना वैसे दिन ही हो जाता है, जैसे बंदा सो के उठता है ऐसे दिन हो गया मेरे लिए माशाल्लाह। वो चलाया था आपको, सर्दी लगी थी? अच्छा, चलें जी माशा। उधर ऐसे बोलो हाय, ऐसे करो, ऐसे छोड़ दो, छोड़ ऐसे नहीं, छोड़ दो ऐसे, हाय हाय तो जी अभी जो है ना हम सुबह सुबह आ गए मार्ट हाउस, क्योंकि माशाल्लाह मिस्त्री भाई जो है ना वो आ जाते हैं। देखिए बाबा दरवाजा ना पा रहे, बाबा दरवाजा उठा के खड़ा है। हाँ जी, अभी काम पे। हाँ जी, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो काम पे आ जाते हैं 8 बजे, तो अभी आ गए हैं माशाल्लाह। अभी जो दरवाजे आज लगने हैं ना वो सारे आज दरवाजे विंडो वगैरह उठा रहे हैं, जो उधर घर बन रहे हैं। तो मैंने कहा अभी मुर्गियों को भी निकालते हैं, उनको भी दाना पानी डालते हैं। यहाँ पे चलो खाओ, ये दाना खाती भी है या नहीं? बाजरा बाजरे की हेला है ना। ये तो दाना खाती नहीं है, इनको तो भाई बड़े नखरे हैं, सुबह सुबह निकाल के दाना डाला तो खाती नहीं है। ये मेरे ख्याल में बाजरे की शौकीन है, बाजरा लेना पड़ेगा इनके लिए। चले फिर बाजरा ही लेते हैं इंशाल्लाह। चले आ जाए, अभी वो सैर सपाटे पे निकल गई है। मुश्ताक अंदर ही नहीं आने दे रहा, अभी अभी जाएंगे, वो बंदे थे ना उस वजह से शायद, अभी इनको अंदर करके ना बंद करते हैं ना दरवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और उसका भी हासा निकल गया जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, मेरी रानी भी उठ गई है। अच्छा, मैंने रानी को कहा, मैंने कहा रानी अब तो उठ जा, मैंने कहा मैं तो पूरी रात नहीं सोया, तो अभी भी सो रही है तो उठ जा, तो माशाल्लाह से उठ गई है। अभी टाइम जो है ना वो मैं बताता हूँ कि कितना हो गया है। टाइम जो है ना वो आप सूरज की किरणें, सूरज को देख के सारा आइडिया लगाएं क्या टाइम हो सकता है, तो मुझे घड़ी पर थोड़ा कम पता चलता है। अच्छा, ये हो गया ना 6:53, 7:08, 8:07, 8:35 है, 8:40 है, सॉरी मैं ना घड़ी पता नहीं चलता ख़ास, वो ना उल्टी हुई पड़ी है ना इस वजह से ख़राब हो गई है घड़ी। और हसन जानी को देखे माशाल्लाह खेल रहे हैं, मोहम्मद हसन क्या खेल रहे हो, ये जूती खेल रहे हो, वे सोने बेबो जानी ठीक हो? हाँ बेबो ठीक हो? हाँ वो भी आ गया है, वे सदके। चलो खेलते रहो खेलते रहो। दोनों शहजादों के सेम सेम कपड़े माशाल्लाह, शलवारें चेंज हैं, सूट एक साथ वाले हैं। मैं कह रहे थे, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो मेरी तरफ से सुबह की गुड मॉर्निंग, वैसे तो अभी 12 का टाइम हो रहा है। नहीं वह कितना 12? हाँ 8:40 है। अच्छा हाँ जी, लेकिन दिन को देख के ऐसे ही लगता है। हाँ। तो चलो 8 बजे का गुड मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ के आ चुकी हूँ। आपने कहा था नाश्ता रेडी है, मुझे रात से इतनी तेज भूख लगी हुई है। अगर आपने नाश्ता करना है तो वो लास्ट वाले रूम में चले जाएं और जाकर नाश्ता कर लें आप। अच्छा हाँ जी, बाकी जब उठते जाएंगे करते, कुछ मेहमान इस रूम में, कुछ मेहमान उस रूम में, कुछ मेहमान इस रूम में है माशाल्लाह। इस रूम में हम खुद थे तो माशाल्लाह उठे खड़े हैं, तो लास्ट रूम में चलो, आपको सरप्राइज है, आप बेशक कर लें। बेबो वो आपने नान छोले खाने हैं? खुशी हो गया आपने खाने हैं? वो उधर है, इधर आ जाओ। आप देखोगी ना ये सब कुछ अहमद ने किया है। हाँ जी,
चेक करो आप। खुशी हो रही है सब? हाँ जी, रायता क्या, दही ऐसे खाई जाती है ना, चने तो हैं वो, लेकिन रायता साथ साथ चमची के साथ खाते रहेंगे। दही खाएंगे? हाँ जी दही खाएंगे। और इधर इतना सारा नान ले है माशाल्लाह। हाँ वो आयशा शायद वाले चले गए, उनको रोका भी लेकिन वो नहीं रुके, फिर मैंने कहा चले आप रास्ते में नाश्ता कर लेना। चले फिर मेहमान जब उठेंगे फिर खाएंगे ना, अब हम पहले खा लें फिर वो बाद में। नहीं आप अलहदा कटोरी में डाल के जो आपने नान खाने खा लो, बकाया यहाँ पे रखे रहे बस, जो आता जाएगा खाता जाएगा। आपको भूख लगी हुई है तो आप खा लो। भूख तो मुझे रात से लगी तो फिर आप खा लो। अच्छा इसमें ना मैंने अभी महसूस किया, मैंने एक चीज फिर भूल गया यार, चमचे नहीं डाले मैंने, ये सालन डालने वाला और दही डालने वाला दो चमचे मैं भूल गया, सॉरी। आखिर इंसान से एक ना एक मिस्टेक तो लाजमी होती है। हाँ जी। जब मैं रखती हूँ मुझसे भी ऐसे होता है जी, बिल्कुल अक्सर चम्मच ही भूल जाते हैं। सही बात है, जो कोशिश किया करे चम्मच ना भूला करे। ये लो सब। थैंक यू। हाँ जी ठीक हो गया। चले आप बैठे, मैं जरा वो जो घर हाउस बन रहे हैं उनको थोड़ा सा चक्कर लगा लूं मैं। हाँ सुबह सुबह आज सब कहेंगे चांद नजर आ गया आज तो, सुबह सुबह कैसे आ गया ये। क्योंकि मैं नमाज पढ़ के ना फिर मैं उठता था 12 बजे, आज मैं जब जाऊंगा ना वो कहेंगे आज तो रिकॉर्ड टूट गया, अहमद भाई सुबह सुबह आ गए। शहजादी हमारी भी उठ के आ चुकी है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा हैप्पी। एक मिनट बैठो, एक मिनट। माशाल्लाह जी मुंशी साहब जो है ना वो सुबह सुबह आके ना ईंटों को तराई करना शुरू कर दी। आपका काम ही यही होता है तराई करना और बर्थी डलवाना। हाँ हाँ जी। कल आई थी ट्राली बर्थी की? नहीं आई थी। अच्छा, और माशाल्लाह से ये देखें ये किस चीज़ का ये गेट लग गया है, वाशरूम का? वाशरूम यहाँ पे बनेगा, उसका अटैच हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। और इसके साथ उस्ताद और दरवाज़ा लगेगा, इसके साथ अटैच लगेगा क्या? हाँ वो किचन के अंदर से जाएंगे लास्ट में। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से ये सामने वाले जी दो रूम हो गए, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना गेस्ट रूम हो गया, इसके साथ वॉशरूम होगा, अटैचमेंट भी होगी, घर वाले भी इस्तेमाल करेंगे, ये बैठक वाले भी, उसके साथ जो है ना फिर नलका होगा, उसके साथ फिर यहाँ पे मेन गेट लग जाएगा माशाल्लाह। तो ये जी जगह जो माशाल्लाह से बन रही है अभी, और पिछला पोर्शन जो है ना उसमें सिर्फ वॉशरूम रह गया है और फर्श वगैरह डालने हैं, इसके भी जब डालेंगे ना उसके भी साथ में डाल देंगे। मुंशी नाश्ता करना है तो कर लो आज, मेरे वक्त में आज मैं उठा हुआ हूँ तो आपको 8 बजे नाश्ता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उठे हो ना। हाँ जी मैं इतना खुशी है पता नहीं कितना खुशी है। नाश्ता भी लगा हुआ है माशाल्लाह, जाके कर लो बेशक इंशाल्लाह। काशे भाई आपने नाश्ता करना है? आपने नाश्ता करना है? नहीं किया ना, मुझे अंदाजा था, वैसे रोज तो करके आते थे, आज अंदाजा था कि आपने नहीं किया। आपने करना है तो आप भी कर लें। हाँ चलो आप भी मुंशी के साथ चलो उधर जाके नाश्ता कर लो। आ जाओ। हाँ कैसे चलते हैं? हाँ जी मुझे पता है जहाँ नाश्ता लगा हुआ है, आपको तो नए हैं इसको पता नहीं चलेगा ना। हाँ ये जो दो कमरे बने हुए हैं ना, एक दरवाज़ा ये है कमरे का, एक दरवाज़ा ये है, तो इसके अंदर अभी इंटर होते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये कमरा देखें, यहाँ पे बना रहे हैं अलमारी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने विंडो रखनी थी, क्यों नहीं रखनी, क्योंकि अटैच है किचन, उसका मतलब कोई लकड़ियाँ वगैरह जलाता है कुछ करता है उसका धुआं कमरे में आएगा, इस वजह से ना हमने जो है ना इधर विंडो बना, इधर जो है अलमारी बना दी और इस साइड पर हमने ये विंडो लगा दी। ठीक हो गया, क्योंकि इधर से हवा आएगी इधर क्रॉसिंग करेगी, उस कमरे से आएगी तो इधर क्रॉसिंग करेगी। यहाँ पे जो है ना ये जो बनाई हुई है ये इस कमरे की अलमारी है। ठीक हो गया जी। और इस कमरे की जो विंडो है ना वो सामने लगा दी है। ठीक हो गया माशाल्लाह से। ये एक कमेंट आ गया था सिस्टर का कि आपने जो दरमियान में ये विंडो लगाई है ना ये गलत किया है, यानी कि अजीब तरीका हो गया, तो ये करना ज़रूरी था क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, मसला होता है, क्योंकि इस घर का सहन नहीं है ना, ये थोड़ा सा सहन होगा, इतना तकरीबन 2-4 पहिए डलेंगे, इतना सहन है इसका,
इस वजह से ना हमें ये सारा फैसला करना पड़ा, क्योंकि अगर इधर हम विंडो लगाते या इधर लगाते तो ये किचन के अंदर आती, ये हमारा जो है ना ये किचन बनेगा इधर, ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। इस वजह से मैंने कहा इसका जो सारा मसला है ना वो कमरे के अंदर ना जाए, इस वजह से हमने ये फैसला किया था। तो माशाल्लाह से आप सब ने बताना है कि ये सही बन रहा है नहीं बन रहा, आप सब ने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। ओ अल्लाह खैर क्या थी गए बाबा जी, बाल्टी गवाच गई, हाँ तेरी खैर। माशाल्लाह जी घर पहुंचा तो अमन और उसका बेटा जो है ना उठे हुए हैं और बेटा उसका हंस रहा है सारी रात, सुबह सुबह हंसना शुरू हो जाता है। हाँ उसको पता लग जाता है सुबह हो गई है, अब उनको पता है सारी रात ना इनको सोने दिया, अब ये दिन को सुकून मारेगा। लेकिन खैर इसकी आंखों में तो खैर नींद नहीं है, पता नहीं ये किस पे गया है, आप पे गया है या आपने पापा पे गया है या अपने दादा पे गया है, वो भी नहीं सोते। अच्छा अच्छा तो इसके दादाजी सुन रहे हो, क्योंकि वीडियो तो आप देखते हो, ये जो है ना ये आपके ऊपर गया है लिहाजा इसके ऊपर दम शम करें, इसको बोलें कि मेरे ऊपर ना जाए, तो ये जो है ना ये अपने मम्मी पापा पर जाए। मम्मी पापा तो उन्हें टाइम मिले तो सारा सोते रहे, दिन में सोते रहे, लेकिन ये अपने दादा पर गया है ना। हाँ चले इंशाल्लाह ताला। और इधर जी माशाल्लाह से ओपन करें तो ओए होए 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 मोन मैं वैसे गणन थोला जा। हाँ जो सब ना नान और चाय, नान और ले आओ, जैन ले आओ। हैं अच्छा हाँ हैं हाँ क्या बखेद दिया बोला मेरी साली है तेरे पता क्या ना। वाह वाह आप मुंशी की साली बन गई हो, समझ आई है कि नहीं भाईजान? हाँ वो पहले अगली गाल तो सुन, वो हाँ मतराई हो मतलब आपके आपके जो मतराई साले, क्योंकि आपके अब्बू की दो शादियां थी ना, क्योंकि आपकी अम्मी की डेथ हो गई थी पहले, उसके बाद आपके अब्बू ने दूसरी शादी की, ठीक है, फिर उस हिसाब से हैं बशीर तो कहीं ना मतराई है ना, मैं सकती है इनको साली करनी। हाँ अच्छा ये बात भी है, आपके अब्बू ने जब शादी की ना, आपके अब्बू ने जब शादी की ना उसमें से बच्चे थे, पहले के थे, क्योंकि वो तलाक याफ्ता से उसने शादी की थी, उसके पहले बच्चे थे, जो उसके पहले बच्चे थे उसकी उन बच्चों से इसने जो है ना वो अपनी एक दुल्हन बनाई है। आप कुछ भी नहीं हो, इसको बोलो लिहाजा मैं कुछ भाई, ये कुछ भी नहीं है ना, मतराई है ना कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आपके चाचू की बेटी थी पहले। हाँ जी ना मेरे बाप की ना मेरी माँ की, मैं कहाँ से होगी आपकी ओ, साली। हाँ चुप करते हैं अपना नाश्ता कर, इसके अब्बू के साथ जब शादी हुई थी ना एक बेटी है जो कि इसकी बहन है। हाँ छोटी है वो भी बिल्कुल, तो तू ना चुप करते नाश्ता कर, हूँ निकलना नहीं गाल कर, ए ज्यादा सालियां बनाने की कोई जरूरत कहनी आई समझ, नाश्ता कर, ते को नाश्ता मिल गया माशाल्लाह, कर ते निकलने वाली गाल कर, चने ढेग सी हर चीज ढेग, बंदा खड़े तुहारे हो तू होटल वाला, होटल वाला रीति रख, आपने नाश्ता नहीं किया अभी फ्रेश होना है, और कोलगेट पियोगी, कोल्ड ड्रिंक पियोगी? नहीं पियोगी। अच्छा ठीक है, मैं चाय पियूंगी। सही है, चाय भी अभी मेरे ख्याल में रेडी, शुरू करते हैं चाय बनाना। हाँ नान छोले खा लिए, कैसे लगे? रज के खाए हैं। हाँ ओ गुड मॉर्निंग, और मेहमान भी हमारे आ चुके हैं जी, ऐसा ऐसा हौले हौले निकल रहे हैं बाहर। अच्छा आप तो आ गए, तेरी रन वो अभी सोई खड़ी है, सोई खड़ी है, आ करी तो मुझे सोई और खड़ी, ये क्या सोई पड़ी है या सोई खड़ी है, बस जो समझ ले, खड़ी तो मतलब उठी खड़ी है, सोई पड़ी है। हाँ चलो पड़ी रहने दो फिर, ठीक है ठीक है, चले आज लगता है सब अलग अलग नाश्ता करेंगे, सही है, हमने भी नाश्ता मैंने नहीं किया, मैंने कहा सब वो आप स्पेशल उठेंगे फिर। और इधर जो है ना ऐशा शायद वाले सोए थे, उनके बिस्तर है अभी, ऐशा सरप्राइज मिला आपको ना सबा वो है ही नहीं, उनको मैंने रवाना किया है, मैं जैसे आया ना शहर से वो रास्ते में समझ लिया मेरे गेट से निकल रहे थे, बड़ा मैंने कहा नाश्ता कर लो, उन्होंने कहा टाइम नहीं है ना हमने जाने ला सारे रहते थे उनके जो है ना गाड़ी करने को। हाँ चले माशाल्लाह सही नाश्ता हो रहा है सबका, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, चने वगैरह कोई दही वगैरह
सब कुछ ओके है, अभी है सब कुछ ओके। चलें गुड हो गया, गुड मॉर्निंग। एक और मेहमान भी उठ गया माशाल्लाह। आपने कहा सोई पड़ी है, वो तो सोई खड़ी है, वो सोई खड़ी हो गई है। सही है, चलें जी। कितने थे भजी बनी? ओ है चीज, ओ है अल्लाह खैर। कौन सी ऐसी चीज गुम हो गई है जिसकी वजह से सबा परेशान हो गई है? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। रखी है, भूली नहीं है, कहीं रखी है, वो याद नहीं आ रही। तेनू सैर करावा, आ तेनू मौज करावा, आ तेरे सदके जावा, आ तेनू रेड़ी ते सैर करावा। आ अच्छा यार, मैंने ना कहीं पे रखे थे बादाम। ओए यार मुझे जरूरत है, मुझे, मैं तो निर्णय हाँ खाना चाहता हूँ। एक सिस्टर है, वो कहती हैं अहमद भाई अनार का जूस बना के ना वो पिया करो सुबह सुबह। वो कहते हैं अहमद भाई आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा। वो कहते हैं अहमद भाई आपको कभी कुछ ना हो। सिस्टर की अहम नहीं है वो, पता है क्या कहते हैं? वो कहती हैं अहमद भाई आप इतना जरूरी हैं, इतना जरूरी हैं कि हम आपके विलोक के बगैर खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते, ठीक है, और हमारे घर में आपका जिक्र चलता रहता है। जब आप ठीक नहीं होंगे, अच्छे अच्छे विलोक नहीं बनेंगे, फनी बातें नहीं होंगी, हम हंसेंगे नहीं, नाश्ता अंदर जाएगा नहीं, हजमा होगा नहीं, और सर में डंडे पड़ेंगे नहीं आपकी वजह से। इस वजह से जी समझ लग गई ना, देख रही हो ना, ठीक है चलो। आज तेको बादाम नहीं लभदे माशाल्लाह। ये हसन जानी का सूट दिखाओ जरा, खड़ा तो कर दिया, दिखाओ तो सही माशाल्लाह। ये जी सिस्टर जो आई हुई है उन्होंने कहा ये हसन जानी के लिए माशाल्लाह। और तो है मुझे पता है, वो तो हमने सिस्टर को बहुत कहा कि आपी जान कुछ भी नहीं चाहिए, आपने आना है सिर्फ आ जाए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी मिलने की ना, तो लेकिन फिर भी वो ना खुद कुछ बच्चों के सिलाई करती हैं खुद असल में। हाँ। उन्होंने कुछ बच्चों के सिलाई किए थे कपड़े, बेबो जानी हसन जानी के ना कपड़े हो गए बड़े, तो उसने फिर ये सूट कहती पता नहीं किसके लिए लिया हुआ था, फिर ये दे दिया कहती अब मैं हसन को ऐसे। वो ना जो उसकी छोटी बेटी है ना वो बेटू की शक्ल देती है, तो जो भी देखते कहते हैं ये बेटा है। हाँ। तो उसने कहा मैं इसको ना बेटू वाले कपड़े पहनाया करूंगी, तो जब हसन जानी को उसने कपड़े दिए वो बड़े हुए तो जब भाग के वो अपनी बेटी वाला ले आई कि ये वाला पहनाओ हसन को। मैंने कहा उसको बकरा ईद तक इंशाल्लाह तकरीबन 7-8 सूट तो अभी न्यू रखे है ना। हाँ। हमने कहा कपड़े तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, तो सिस्टर ने कहा नहीं मैं अपने गोलू मोलू को दे रही हूँ, आपको थोड़ी दे रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो फिर जबरदस्ती उसने दे दिया माशाल्लाह से जी। तकरीबन आध से ज्यादा मेहमानों ने जो है ना वो खाना खा लिया, अभी थोड़े हम रहते हैं जो हम खाएंगे, मतलब आध से ज्यादा खाना नहीं, मतलब के ज्यादा मेहमानों ने खा लिया, थोड़े मेहमान रहते हैं। परेशान हो गए आप। तो अभी ना चार पहिया हमने धूप में भी लगा दी है कि कोई धूप में मजा लेना चाहे तो धूप पे भी बैठ सकता है। हाँ, क्योंकि सर्दियां आपने बहुत देखी हैं। और इधर जो है ना सबा को मैंने कहा है प्याज काट दो, क्योंकि सुबह सुबह प्याज खाने से कहते हैं बड़ा फायदा होता है, सेहत के लिए अच्छी होती है। इतनी काफी है? हाँ जी काफी है, मैं तो मेरे लिए तो 2 काफी थे, लेकिन सब मिलके खाएंगे तो फिर तो सारे काफी हैं। ओके हो गया, बाप भी काट जाते हैं थोड़ी देर ऐसे। हाँ। 2 मिनट बाप प्याज काट लो, फिर नाश्ता कर लें और चाय भी चढ़ाओ आप। मैं प्याज काट के चाय चढ़ाती हूँ, फिर आप लोग को नाश्ता भी देती हूँ, आप नाश्ता करें मैं चाय बना लूंगी। आपने नहीं करना हमारे साथ नाश्ता? कर लिया। हाँ। जैन आपने? मेरे लिए आपने भी मेरी तरह नहीं किया, क्यों आप भी कर लेते ना? अभी भूख नहीं थी ना, वो टाइम टेबल बना हुआ। अभी एक मैं एक आप, 2 मेहमान, 3 और 2 मेहमान, 5 बंदे रहते हैं। सही हो गया, काटो काटो। ये प्याज बड़े मजे के हैं। अच्छा जी, धुआं भी नहीं देते। हाँ, ये मैंने अच्छे वाले लिए ना मंडी से, ऐसे वाले वो जो गोल वाले आपने कहा था ना गोल गोल अच्छे होते हैं, फिर मैंने इसलिए लिए थे बड़े वाले। वो आप लोगों ने तो कहा था मीठा प्याज है, मीठा, धुआं भी नहीं देता। खाने में मीठा है ना, काटने में तो मीठा नहीं है ना। मीठा लेके उसने इतनी भी हमें रुलाया, इतनी। मैं एक बात कहूँ, अच्छी चीज लेने के लिए या अच्छा खाने पीने के लिए या कुछ पाने के लिए वो कहते हैं कुछ खोना पड़ता है। अगर आप अच्छी चीज खाएंगे उसमें मेहनत तो होगी, उसमें रोना धोना तो होगा। ऐसे ही होता है ये क्या, मेरे ख्याल में अब
जैन बेटा आपको कहा था नाश्ता करके गाड़ी साफ करनी है, अभी नहीं गाड़ी साफ करनी। असल में ना वो टाइम टेबल बना हुआ है ना, 1 बजे खाते हैं, 2 बजे, फिर अब दिल नहीं कर रहा खाने का, नहीं सुबह सुबह भूख नहीं लगी। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो नाश्ता कर लेते, उसके बाद जो है ना फिर वो तो सारा दिन है ना, फिर वो तो किसी टाइम अभी ना दिल नहीं है खाने का ना, भूख। चलो वो नमक डालना इसमें, सब मत रो प्लीज। हाय बिचारे, आंखों में पानी मार लो ना, आंखों में पानी, पानी में आंखें मार लो। अच्छा चलो, जो करना है कर लो। नमक डालना है? हाँ, नहीं डालना, नमक नहीं डालना। धोना नहीं है? नहीं, धोना भी नहीं है। ठीक है, कट कर दिए। अब खाना लगाना है या नहीं? बस अंदर बैठ के खा लेते हैं। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है ना हमारी बारी है, अब हम करेंगे नाश्ता। सबा वो अहमद को तो बुलाओ, वो उसने भी नहीं किया नाश्ता। अच्छा। हाँ, खलील भाई ने किया था, अहमद ने नहीं किया था, उसको बुला लो, चले वो भी साथ बैठ के ना। आज जगह चेंज करके बैठेंगे। अच्छा, जैसे क्यों, उस दिन हाजमा नहीं हुआ था क्या? हाजमा हो जाता। अच्छा, हम भाई आमने सामने बैठेंगे फिर, सही नहीं? हम आमने सामने बैठेंगे फिर। बिल्कुल, ये आमने सामने हम ऐसे बैठते हैं। हाँ, क्योंकि मर्द चेयर पे बैठे ना सोना लगता है। वैसे तो लेडीज भी लगती हैं, लेकिन मर्द औरत इकट्ठे हूँ तो फिर मर्द। आप ये याद रखें, आपका ये पंजाब में आ रहा है या कौन सा आ रहा है? पंजाब ही है। पंजाब है ना, इस टाइम हुकूमत जो है ना औरत की चल रही है, ये आपने याद रखना, हुकूमत औरतों की है। हाँ, ये उनकी हो, देखें उनकी हो ना हो, ये तो खैर, ये तो 5 साल 4 साल ये चेंज होता रहता है सिस्टम, लेकिन शुरू से हुकूमत आ ही लेडीज की रही है ना हमारे लिए, तो अभी पंजाब में अभी आई है, लेकिन वैसे तो नहीं नहीं, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं कि सारा कुछ आप संभालती हैं। खैर भाई जान, नक्शा नकला दे सोना। सिटी जा रहे हैं? खैर सिटी, मैं सुबह 6 बजे होके आ गया सिटी से। हाँ जी, मुबारक। नहीं लेके आए? नहीं, मैंने कहा इंशाल्लाह फिर जाऊंगा तो ले गए थे, मंडी तो खुली हुई थी, मैं गया नहीं, मैं जल्दी में गया, बस जल्दी से आ गया, पैसे लेने थे, एक तो नाश्ता लेना था, फिर आया। जब तक ऐशा शायद वाले ऐसे दरवाजे से निकल रहे थे मेरी गाड़ी इधर से, कहते हैं नहीं करना नाश्ता। आज सब्जी लेने जा रहे हो? हमारे लिए ना धनिया ले आना, बस 2 गुठियां 10 रुपए की देते हैं, 70 रुपए की एक है, और 10 रुपए की 2 मुझे पता है, मैं भी मंडी से लेके आता हूँ। मेरे पास ना अगर 10 रुपए के 2 बोल रहे हो ना, 5 की 1 बोल रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, 5 की ये बात तो सुन, वो ना वो बोलेंगे धनिया ले लो 20 का 1 20 का 1, आपने कहा नहीं लेना, चलो 20 के 2 ले लो, ऐसे कहते हैं, फिर ले लेना। अगर ना बोले तो नहीं लेना। हम 3 बार गए, हमने 20 की 2 ली है। वैसे नहीं, नहीं, एक गुट्टी ले लेना जितने की दें। अपना ले आएंगे ना वहाँ से, थोड़ा सा ले लेंगे बस। अच्छा चलो, सब्जी भी कुछ भी नहीं। सब्जी क्या करेंगे यार, हम तो अभी मेहमान है ना, अभी तो हम दूसरी चीजें बना रहे हैं ना, सब्जी वाली साइड पे जब इंशाल्लाह ताला फ्री हो के ना, फिर माह रमजान में सब्जियां ही खानी है, ठंडिया ठंडिया। तो फिर माह रमजान को कितने दिन रह गए हैं? माह रमजान इंशाल्लाह आमद आमद है, अल्लाह पाक हमारी जिंदगी रखे। हाँ, ये माह रमजान अल्लाह पाक हमें यहाँ पे गुजारने दे, इस दुनिया में, ताकि हम अपना सवाब कमा सकें, नेकियां कमा सकें, कोशिश करें। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये अल्लाह पाक मौका देता है ना, सब मौका देता है, वाकई में मौका देता है। गाड़ी जो है ना वो फिर उधर लेके चले गए, कहता इधर धूप थी ना तो उधर छांव में खड़ी करके ना फिर अच्छे तरीके से करता हूँ। मैंने कहा चलो, कपड़े मारते थे ना उसके ऊपर वो मिट्टी सा कलर उफड़ाता था, वो ना कपड़ा खुद इतनी मैला है। अच्छा लास्ट में ना कपड़े को धो लेना आप। अच्छा, कपड़ा गंदा होता है ज्यादा। अभी इधर मड है, उसमें क्या हो रहा है? ये ना इधर शर शर की आवाज आ रही है, जैसे बंदा ना कुछ कर रहा हो। ये देखे जी, वाह पुंछी वाह वाह,
ये जो टियर गार्डन हमारी इस जगह के इधर और इधर जो हमारा कमरा हुआ करता था पहले, ये उसके टियर गार्डन है। मैंने कहा इनको साफ करके इनको पेंट करो, पेंट करने के बाद फिर वो न्यू मकान जो बने उनमें चढ़ा देंगे, क्योंकि ये तकरीबन लाखों का सामान है जी, लाखों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे काम आ रहा है, अल्लाह पाक का करम है, वरना हमारी जगह जो है ना वो अधूरी रह जाती। इनकी वजह से आप पूरी हो जाएगी कि हमारा सामान पड़ा है। थोड़ा बहुत मंगाना तो पड़ेगा, फिर भी 2-3 लाख का और मंगाना पड़ेगा। चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप आज कहाँ जा रहे हैं? आजकल छोटी सी छोटी जगह भी बनाओ ना 20 लाख तो लग ही जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही हूँ। तो काम में क्या नहीं, कहीं नहीं जा रहा। सबा मुर्गियों को निकाल, फिर ढक दी क्या मुर्गियों को? नहीं, वो बाहर खेल रही है। बाहर खेल रही है, दाना पानी खा के। अच्छा, सब खेल रही है ना, रिहाना, रुखसाना, शिबाना, नबीला, किंजा, सारी। चलो सही हो गया। तो जी प्यारे बहन भाइयों, मैं कहता हूँ कि वीडियो ना ज्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप जो है ना वो थोड़ा बोरिंग ना हो इस वजह से ना। वैसे हमारी वीडियो बोरिंग होती तो नहीं है, आप बहुत इंजॉय करते करते आपको पता नहीं चलता टाइम खत्म हो जाता है। तो आप मेरे पीछे क्यों आ रही हो सर? मैं बेबो को ढूंढने जा रही हूँ, दोनों को नहला के, न्यू सूट बना के, हीरो बना के, शहजादे बना के, फिर कहते गाड़ी पे चलो। अच्छा भाई, गाड़ी चला के आ रहे थे, उसके पीछे रो रहा था, कहते शायद मेरे बाबा चला के जा रहे हैं गाड़ी। मैं बुला रही थी, ये रोए जा रहा था पीछे। चले अल्लाह पाक बेहतर करे जी, इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, सबन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।